ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक। आ चुके हम लोग एक और नई धमाकेदार वीडियो को लेकर। तो यार आज था मेरा फर्स्ट डे लापता SMP में और मेरे साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। आप खुद ही देख लो क्या हुआ, मतलब अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, आप लोग देखो खुद ही देखो। हेलो लैपिस भाई, हेलो हेलो। आगे क्या? नहीं नहीं हो रहा है, बस हो गया बस हो गया। ओ हो गया हो गया हो गया, कहाँ हो आप? अरे वो तो सामने भी देखो, सुनो सुनो, सामने वो ब्लैक कलर की वॉल है ना, एक ऑब्सीडियन को उसे पार करके उस पार चले जाओ 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 जाओ। क्यों अरे ये पागल देखो, इधर ही ना तुम भाई फाइट क्यों कर रहे हो आप लोग? ओए जाने दो उनको, उनको कोई कुछ अरे नहीं कर, अरे इसकी भी मार के क्यों रहे बच्चे। हो नीज और भाई, ये कौन हेलो। है अरे आप? मैं वो ब्लैक वाली भाई, वॉल मैं को उस पार जाओ, इंसान ब्लैक हूँ वाली और उस वॉल कौन को अब उस पार मार जाओ। कर रहे हो? अरे ये लोग पागल लोग हैं, बॉट लोग मारते हैं ये, सीधा देख ले। भाई किधर जाना है? वॉल के बगल में। वो वॉल के पार जाओ, वॉल के पार जाओ, वॉल के पार जाओ। ओके अरे किधर से जाना है, वो तो उधर पूरा बंद है। मिस्टी भी आवाज को मारो, मिस्टी हिम्मत है तो मेरे को मारो, हिम्मत है क्यों तो मेरे मारना को मारो। है अरे मैं तुमका दिखाने, जल्दी मेरे मेरे पीछे आके निकलो, मर जाओगे मिस्टर लैपिस, मर जाओगे, अभी निकल जाओ यहां से। हां भाई मार मैं रहे हो बोल आप लोग, ट्रेड गेम को शांति से जाने दो, ट्रेड गेम मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं दीपू भाई, प्लीज मैं शांति से जा रहा हूं। ओके 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 मैं आ गया साइड आगे ना, बस बस बस। वो छोटे बच्चे, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तो ट्रेड है, वैसे आप क्या करोगे मेरे नाम से? भाई ये कौन है टेढ़ा 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 टेढ़ा, ये कैसा नाम है भाई? मेरा नाम ट्रेडी है, ट्रेडी बोलो, टेढ़ा नहीं। आप इस टीवी को लेकर आए थे ना, मैं ट्रेडी गेमर। अरे तुम्हें लॉलीपॉप दिखा के थोड़ा लाया था इतने छोटे छोटे बच्चों को भाई? ट्रेडी गेमर हो, इस टीवी कौन सा बड़ा है, इस टीवी तो मेरे से भी छोटा है, ये तो फिर भी 20 साल का है। हाँ 20 साल के दिख रहा है, अभी लग रहा है अभी अंडे से बाहर निकले हैं। आप तो अभी इसलिए भी नहीं। अच्छा चलो लड़ाई मत करो, चलो शांति से रहते हैं, शांति से रहते हैं। मुझे लगा था कि इतना अच्छा स्वागत होगा मेरा यहाँ पे, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा स्वागत हुआ, मतलब आज तो पिट गया मैं। लैपिस भाई वैसे अब ये लोग मार क्यों रहे थे? ये लोग न्यू बॉट है, ये लोग इसलिए मार रहे। अरे दीपू भाई आए, हेलो दीपू। अरे भाई, ये कौन? इसके लैपिस। अरे ये नया बंदा है SMP का, आपने मुझे बोला तक नहीं, आप दीपू भाई को। चलो ठीक है, वैसे ये बताओ कि खाना किधर है? अरे वो सामने किसी भी घर में चले जाओ, देख लो कहीं मिल जाए तो। अरे आप इधर उधर तो बोल रहे हो लेकिन है किधर, मुझे तो यही नहीं दिख रहा हूँ। क्या है यार इस वाले घर में भी देखो चेस्ट ही नहीं है। अब आप ही बताओ किधर है? अरे सामने वाले घर में चले जाओ, सामने वाले घर में, जब तक मैं दीपू भाई को बताता हूँ कि ये कौन है। ओके चलो देखता हूँ यार, इस वाले घर में मिल जाए तो अच्छा है यार, तब से आप इधर उधर घुमा रहे हो, बस मुझे मिल ही नहीं रहा मुझे तो कोई घर में खाना। ओ भाई इंचांटेड गोल्डन एप्पल, भाई चलो यार इसी को खा लेता हूँ, और क्या ही बचा है मेरे पास, तो है भी नहीं कुछ और। अरे उसे मत खाना, उसे मत खाना। मैंने तो खा लिया, नहीं खाना चाहिए था क्या मुझे? अब तो खा लिया दीपू भाई, छोड़ो ना, क्या ये गोल्डन एप्पल के पीछे लड़ रहे हो? अरे वो मैंने रखा था नीट गेमर के साथ लड़ने के लिए, कभी काम आएगा। लैपिस भाई आपने मुझे ये भी नहीं बताया यार, क्या करते हो आप भी, मैं नहीं खाता फिर। चलो ठीक है हम लोग फिर से ले आएंगे गोल्डन एप्पल, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे हाँ ये सारी बातों को छोड़ो, चलो ठीक है सब कुछ ठीक है। वैसे ये बताओ कि हाँ ये वॉल क्यों बन रखी है, और मतलब उधर जाने से लोग मार क्यों रहे थे वहाँ पर? अरे बताता हूँ ना, सब बताता हूँ, अंदर आओ। A few moments. ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें सुन ली हैं जो जो इन लोग बोल रहे थे। भाई काफी ज्यादा बोरिंग था बट यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी था। जैसे कि Season 3 में लैका जा चुकी है, एक एंटिटी थी वो फीमेल एंटिटी जो कि Season 2 में आई थी, लापता SMP के Season 2 में, तो अभी वो जा चुकी है और यहाँ पे काफी ज्यादा शांति है। वो वैसे अच्छी एंटिटी थी, वो ज्यादा बुरी नहीं थी। तो यार जब वो गई तो फिर वो दीपू भाई को उसने लाइफ स्टाइल की पावर दे दी, और हाँ इन लोग को कहीं से प्रोटेक्शन 6 का आर्मर मिल गया, और ये लोग कह रहे हैं कि वो लैका ने दिया है। तर मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि मैं भी इन लोग से मांग लेता हूँ प्रोटेक्शन 6 का आर्मर, वैसे तो इन लोग दे ही देंगे क्योंकि यार मैं इन लोग की टीम से वर्क करने वाला हूँ, तो या देखते हैं। अब हेलो लैपिस भाई, जैसा कि आपने बताया कि प्रोटेक्शन 6 का आर्मर है ना आपके पास, ओवर पावर्ड वाला? यस यस बिल्कुल, मेरे पास फुल प्रोटेक्शन से, तो उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे दो प्रोटेक्शन 6 का आर्मर, वैसे भी मैं थोड़ा यहाँ पे कमजोर हुआ पड़ा हुआ हूँ तो। हाँ दीपू भाई आपके पास तो 9 दिल है एकदम, है और फुल नेदरराइट, दे दो जरा ऊपर नीचे का कुछ। दीपू भाई हाँ आप ही दे दो, आपके पास नेदरराइट है और ज्यादा मेरा भरला हो जाएगा। मेरे पास तो वैसे भी 7 ही दिल है, अगर मेरे पास अगर 9 दिल होते ना तो मैं तो भाई अपना पूरा आर्मर दे देता आपको। भाई ऐसे देते नहीं, अभी बोल रहे हो। अरे दे देता मैं, आपकी तरह नहीं हूँ, दे दो दीपू भाई दे दो। वैसे 7 और 9 दिल में ज्यादा अंतर नहीं होता, दे दो।
अरे बहुत अंतर होता है, दो दिल मतलब समझते हो, दो दिल मतलब एक क्रिटिकल, एक पीस तो दो तब तो मानू, एक पीस तो दो, एक चीज। अरे मैं दे देता ना तो मैं दे देता तो, मेरे मेरे पे ऐसे सात दिल है यार, वैसे मैं पूरी एसएमपी पे सबसे कमजोर मैं ही हूं, और आप कोई भी नहीं दे। अरे दे दो ना यार, क्या यार आप लोग भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो यार। देखो आप लोग दोनों को नहीं देना तो फिर देखो एक ऑफर देता हूँ मैं। देखो लैपिस भाई आप अपना हेलमेट दे दो, और दीपू भाई आप अपना बूट दे दो, आप लोग आधा आधा दे दो, हो जाएगा मेरा काम उतना में। तो आप लोग तो दे सकते हो, वैसे भी जैसा कि आप लोगों ने बताया कि नीज भाई ने तो अपने टीममेट को दिया ही है इस टीवी को, तो आप लोग वैसे मुझे भी तो दे ही सकते हो, मैं भी तो आप लोग की टीम में ही काम करने वाला हूँ। अरे इस टीवी को पता है ना, इस टीवी को देने के बाद उनका क्या हाल हुआ, भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मारा हमने उनको, इतना मुश्किल से बचे थे वो, पता आपको। हाँ ये अगर भी है। अगर आपको दे देंगे ना तो वैसे ही मैं तो नूब हूँ बचपन से एकदम, लेकिन दे दो थोड़ा सा, क्या जाता है देने पर क्या जाता है थोड़ा सा। अरे तो सुनो ना, देखो उनके पास तो 9-8 दिन होने के बाद भी, प्रो होने के बाद भी, आर्मर देने के बाद उनको हमने पकड़ लिया, तो सोचो मेरा क्या होगा फिर, मैं नहीं दे सकता, सॉरी। दीपू भाई आप दे दो, आप तो प्रो ना। दीपू भाई आप दे दो, आपको मेरा कुछ फायदा भी हो जाएगा और क्या, और आपके पास 9 दिल भी है। हाँ क्या आर्मर अगर दे देंगे ना कमजोर हो जाएंगे वर्णित के मारे, हमें पकड़ लेगा। अरे यार इतनी कंजूसी कैसे चलेगी यार, दे दो यार, वैसे भी आप लोगों ने बुलाया है। अरे तो मेरे पास तो, मैं वैसे कमजोर बच्चा हूँ, वरना मैं दे देता, बता तो रहा हूँ मैं आपको। अरे आप ये सब तो बहाने होते, दे दो यार। बहाने नहीं है सच में, मेरे पास साथ ही दे रहा है, मजाक नहीं कर रहा। आप अगर दोगे तो मैं भी दूंगा। हाँ मैं दे देता, बोल रहा हूँ मेरे पास अगर 9 दिल होते ना, मैं ऐसे एक्स देता हूँ ना, वैसे इनको वो दे देता। अरे मार क्यों रहे हो? अरे गलती से। अरे अच्छा, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, लैपिस भाई और दीपू भाई आप दोनों हेलमेट और बूट दे दो मुझे, और क्या बात खत्म करते हो। हाँ दीपू भाई दे दो बूट और हेलमेट, दे दो दे दो दीपू भाई दे दो, आपका तो बहुत बड़ा दिल है और आप। अरे अरे तो सही तो है, आप अपना हेलमेट दे दो, मेरे से भी मांग दो। अरे यार दीपू भाई दे दो ना अपना बड़ा दिल देके करके, वैसे भी साइज में तो बड़ा। हाँ दीपू भाई चलो आप ही दे दो कम से कम, लैपिस भाई तो दे नहीं रहे। अरे यार फिर मुझे बुलाया कि मैं अगर कुछ देना ही नहीं था तो यार। आ भाई मारा क्यों? अरे यार आप मेरा एक हार्ट कम हो जाएगा यार, आप लोगों ने बोला था लाइफ का पावर है उनके पास। अरे गलती से शॉट चल गया। अरे क्या गलती से लग गया भाई, क्या यार नहीं पता क्या आपको, अब मेरे एक हार्ट कम हो जाएंगे यार भाई, मैं क्या करूं यार, अब मैं नहीं रह रहा यार आप लोग के साथ। ओके तो ये हुई थी हमारी लड़ाई, तो यार मैं वहां से तो आराम से निकल गया मतलब रिस्पॉन होके, लेकिन यार मैं बस प्रोडक्शन 6 का आर्मर मांग रहा था, ये तो मेरे साथ गलत हुआ ना। अगर आपको लगता है कि ये गलत हुआ तो फिर आप लोग कमेंट में बताओ कि क्या हुआ मेरे साथ। तो हाँ ये हुआ था, फिर मैं रिस्पॉन हुआ, और फिर वर्ल्ड स्पॉन पे मैं स्पॉन तो नहीं हुआ, मैं उन्हीं लोग के घर में स्पॉन हुआ, लेकिन मैं वहां से निकल गया। बट यार मैं कहीं भी नहीं जा सकता था, ना ही निज गेमर और स्टीवी के टीम में, और ना ही मिस्टर लैपिस और डीपू भाई के टीम में। तो अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था लापता एसएमपी को छोड़ने पर, तो या मैं स्पॉन हुआ कुछ दूर आया, और फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं इस एसएमपी से थोड़ा दूर जाकर रहूंगा कुछ दिनों के लिए। ओके गाइस सर यहाँ पर मैं आ चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा दूर, मतलब एसएमपी को छोड़ने वाला हूँ अब मैं, तो या मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ अब, बाय बाय लापता एसएमपी, अब मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगा यार। मतलब आते इन लोग मारने लगे, ये क्या बात हुई, मतलब आते इन लोग मार रहे हैं तो मैं रहूँगा तो क्या होगा मेरा। तो यार पता नहीं अब मैं वापस यहाँ पे कब तक आऊँगा, तो देख लो अभी, आप पता नहीं वापस कब देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो यार अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला हो चुका हूँ, मुझे जाना चाहिए क्योंकि यार वापस जाऊँगा तो फिर से मारने लगेंगे उन लोग, तो चलो भूलते हैं ये सब, चलो ठीक है वुड काटते हैं छोड़ो। ओके तो फिर मैंने थोड़ी सी प्रोग्रेस की और थोड़े से टूल्स वगैरह बनाए बेसिक से, और मैं पहुंच गया टाइगर बाम में। फिर वहां पे मैं थोड़ी देर तक ऐसे घूम रहा था, फिर उसके बाद देखो आप क्या होता है। ओके गाइस सर यहाँ पर मैंने काफी सारे टूल्स वगैरह बना लिए हैं, और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। चलो ठीक है देखते हैं कि क्या करते हैं यहाँ पर, मतलब क्या ही करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है मुझे कोई एक घर बनाना चाहिए अच्छा सा। ओ एक सेकेंड भाई, इधर वुड प्लैंक किसने लगाए? भाई मैंने नहीं लगाया भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इधर। एक सेकंड भाई, इधर कोई रहता है इसका मतलब भाई इधर नहीं इधर इतना दूर कौन रहेगा, और इधर तो बस लापता एसएमपी में उधर ही जितने लोग रहते हैं उतने लोग रहते हैं पार्टीशन में। भाई तो इधर कौन आ गया? एक सेकंड भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, इधर अगर कोई है तो काफी ज़्यादा फायदा हो जाएगा, मैं उसे मतलब अपनी अलग से टीम बनाऊंगा उसके साथ, और फिर यार मैं हम लोग भी पावरफुल हो जाएंगे। एक सेकंड भाई, इतना भिड़के इसके अंदर जाकर देखो क्या मैं? एक सेकंड भाई जाकर देखते हैं और क्या।
ओके तो हाँ वहाँ पर मैं केव के अंदर काफी ज्यादा घूमा और मुझे वहाँ पे मतलब लैडर प्लैंक और ऐसे लगी लगी चीजें मिली जिससे मुझे 101% कंफर्म हो गया था कि वहाँ पे कोई रहता है। फिर मैंने और ज्यादा छानबीन करी तो फिर यार मुझे मिला एक कासल, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, आप लोग खुद ही देखो। ओ यार देख रहे हो गाइस भाई कितना खतरनाक कासल बनाया यार जिसने भी बनाया है भाई साहब, मतलब ऐसा तो मैं बना ही नहीं सकता, इसका 1% भी अच्छा नहीं बना सकता। एक सेकंड, वेट अ मिनट, ये बटन, व्हाट, ये बटन कहाँ से आया? एक सेकंड भाई ये कुछ अजीब लग रहा है भाई, मैं दबा कर देखूं क्या? चलो यार एक काम करता हूँ दबा कर देखता हूँ। एक सेकंड भाई, गाइस मैं इतना खतरनाक काम करने जा रहा हूँ, मतलब पता नहीं यार ये बटन दबाने से क्या होगा भाई। चलो यार दबाना तो पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा, क्या पता इसके अंदर से कुछ खतरनाक निकल जाए। तो इतना ज्यादा डेंजरस काम है ये, तो इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो यार फटाफट से कर दो। तो यार आप लोग के लिए मैं बटन दबा रहा हूँ, फटाफट से करो लाइक एंड सब्सक्राइब, करो 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 फटाफट करो। ओके कर दिया ना, चलो ठीक है अब मैं बटन दबाता हूँ। चलो ठीक है, चलो 3 2 1 गो। गाइस यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब लिटरली कुछ आवाज तो नहीं आया। एक काम करता हूँ फिर से दबा के देखता हूँ। ओ एक सेकंड, कुछ आवाज आया, कुछ आवाज आया, अभी भी फिर से दबाता हूँ। ओ इधर इधर कुछ हुआ, इधर कुछ हुआ, इधर 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 खुला कुछ, इधर खुला कुछ। एक सेकंड मैं फिर से दबाता हूँ, खुल गया भाई, खुल गया, खुला कुछ, कुछ हुआ, कुछ हुआ। एक सेकंड भाई, खुला था वो, खुला था, फिर से दबाता हूँ। ओके ओ खुल गया, खुल गया। आ भाई एक सेकंड, एक सेकंड भाई मैं सीक्रेट बेस में आ गया भाई। एक सेकंड, सीक्रेट बेस के अंदर सीक्रेट बेस, मतलब एक सीक्रेट बेस बड़ा सा, उसके अंदर एक और सीक्रेट बेस। वाह भाई ये पता नहीं किसने बनाया भाई, पता नहीं, मतलब डबल सेफ्टी। चलो ठीक है भाई, यहाँ पे इतने सारे चेस्ट है भाई, खाली है क्या? ओ भाई इतनी सारी चीजें भाई, वेट अ मिनट, सारी चीजें लेता हूँ मैं। ओके तो यार जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मुझे, मैंने वहाँ पे मैं, ओके तो यार जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं यहाँ पे आया, मतलब मेरा फायदा ही हो गया उल्टा, और यहाँ पर इतने सारी चीजें थी चेस्ट में, मतलब 27 डायमंड्स। तो यार उस सारी चीजों को मैंने ले लिया और यहाँ पर आ चुका है मेरे पास फुल नेदराइट आर्मर, डायमंड आर्मर, लॉल भाई मैं नेदराइट आर्मर बोल रहा हूँ डायरेक्ट। ओके तो यार मेरा फायदा ही हो गया, और हाँ अब मैं क्या करने वाला हूँ उन लोगों के साथ ये देखना आप लोग अपने अगले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है, और यहाँ पे कौन रहता है ये तो अभी तक पता ही नहीं चला है, तो वो भी आप लोग देखना, देखते हैं कि वो पता चलता है कि कौन यहाँ पे रहता है या फिर नहीं। तो यार आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।